होता है कि सबसे पहले बच्चा की संख्या गिनवाते हैं कि बच्चे की संख्या कितनी है, रजिस्टर पर कितनी है। अगर गलती से भी एक दो की संख्या घट गई तो समझिए कि उस हेडमास्टर की खैर नहीं है। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। नमस्कार साथियों, एसएस लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव समीर आप लोगों का इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। आज मैं कोई न्यूज लेकर नहीं आया हूं, कोई समाचार लेकर नहीं आया, लेकिन उन समाचारों के पीछे जो शिक्षकों के साथ गलत किया जाता है उनके संबंध में आप लोगों से चर्चा करने आया हूं। अगर आप लोगों को पूरी बातों को समझनी हो तो अंत तक वीडियो को देखिए, और वीडियो जब पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ अगर इसे आप YouTube पर देख रहे हैं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज एक खबर मैंने देखी कि विशेष सचिव का स्कूलों पर छापा। अभी हम सभी जान रहे हैं कि राज्य स्तर से ही एक पत्र निर्गत किया गया है जो जिसके आधार पर विद्यालयों को जांच करनी है। सभी पदाधिकारियों को टास्क दिया गया है कि किन किन विद्यालयों को जांच करनी है, कितनी विद्यालयों को जांच करनी है, इन सभी का शेड्यूल बना हुआ है। उसके अनुसार विद्यालय का जांच किया जाना है, जिसके अंतर्गत पढ़ाई लिखाई से लेकर के विधि व्यवस्था से लेकर के उन सारी चीज़ों को देखना है जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। ये बात सही है कि ऐसा होना भी चाहिए, और अगर हो रहा है ऐसा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा पदाधिकारियों के लिए और शिक्षकों के लिए, सबके लिए अच्छा है, उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसके आड़ में जो पदाधिकारी हैं, जब आप देखेंगे तो विद्यालयों में जब जांच होने जाती है, कोई भी पदाधिकारी आते हैं, हर बार हम लोगों ने कहा है कि पदाधिकारी जब आते हैं तो वहाँ शिक्षकों की समस्याओं को नहीं सुनी जाती है, और न ही बच्चे की समस्या है, किस समस्या से ग्रसित हैं या किन कमियों की वजह से पढ़ाई लिखाई में कमी आ रही है, उनकी चर्चा लोग नहीं करते हैं। चर्चा किस चीज़ की करते हैं तो MDM की, और MDM से संबंधित जो बातें हैं। अभी आपको बता दें कि एक पटना का न्यूज है, मैं आपको उस न्यूज के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग भी अगर इस न्यूज को पढ़े होंगे तो उसमें अपने आकलन किया होगा, उन चीज़ों को मैं आप लोग के समक्ष रखना चाह रहा हूं। आप इस न्यूज को मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, साथ ही साथ उसको पढ़कर जो न्यूज है इसका हेडलाइन है विशेष सचिव का स्कूलों पर छापा। और इस न्यूज के अंतर्गत लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने शनिवार को दुल्हिन बाजार के मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण कर बच्चों के बीच खाद्यान्न वितरण में कई प्रकार की कमियां पकड़ी हैं। विशेष सचिव श्री झा मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी निदेशक भी हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के बीच खाद्यान्न वितरण की स्थिति का जायजा लेने शनिवार को दुल्हिन बाजार के मध्य विद्यालय के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण में कई तरह की कमियां सामने आई। अब यहां पर लिखा गया है कि कई तरह की कमियां सामने आई, लेकिन उन कमियों को कहीं भी नहीं लिखा गया है। कई विद्यालयों में अनाज का वितरण तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया जा रहा था। पूछने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। निदेशक ने जब अनाज वितरण का रजिस्टर को देखा तो उसमें कई कॉलम आधे अधूरे भरे हुए थे। उसे देखकर निदेशक बिफर पड़े। उन्होंने संबंधित प्रधानाचार्य को सख्त चेतावनी दी कि अनाज का वितरण पूर्ण पारदर्शी तरीके से कराएं। किसी भी तरह की शिकायत पाए जाने पर निदेशालय कठोर कार्रवाई करेगा। तो ये न्यूज का प्रथम भाग है, उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने विद्यालय जांच की, विद्यालय जांच में जो कमियां पाई, अन्य कमियां पाई उसकी कोई गिनती नहीं है। इस खबर में भी किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया गया।
लेकिन एमडीएम से संबंधित कमियां उनको दिखाई दी और जो खाद्यान्न वितरण, चूँकि अभी एमडीएम बन नहीं रहा है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसका इस पर रोक लगाया गया है, तत्काल अभी प्रभाव से अभी जो है सिर्फ एमडीएम का जो चावल है उसे वितरण किया जाता है, उसकी राशि जो है से बच्चों के खाते पर भेजी जाती है। ऐसे में इस तरीके का जो जांच है उसमें कमी पाई गई है, तो क्या कमी पाई गई है चावल वितरण में? आपको बता दें कि जिस चावल को सरकार कहती है कि बोरे में 50 किलो चावल होते हैं, उस बोरे में 35 से 40 किलो के बीच में ही चावल होते हैं। स्थिति यह है कि जब चावल पूरा नहीं आता है तो वितरण पूरा कैसे होगा, किस आधार पर वितरण किया जाएगा कि वो चावल बच्चे को, हर एक बच्चे को जो उचित मात्रा है वो मिल जाए? यहाँ तो शिक्षक की मजबूरी है, उन्हें ड्यूटी बजानी है, जो सरकार का आदेश है उसे करनी है, इस वजह से वो वितरण करते हैं। लेकिन वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सही रूप से बांटा जाए तो चावल की कमी हो जाएगी और जो वहाँ के पब्लिक हैं, आम जनता हैं, उसके कुप का भाजन उन्हें बनना पड़ेगा। जब चावल की खोज की जाती है, कम होता है चावल, उसकी खोज जब बीओ या जो मध्यान प्रभारी होते हैं उनसे ये कहा जाता है, तो उल्टे फिर उन्हें किसी न किसी कारण से उन पर कोई कार्रवाई कर दी जाती है, उन पर शोकॉज निकाल दिया जाता है। तो ये सब साठ गांठ है जिसके वजह से शिक्षक प्रधानाध्यापक हमेशा परेशान रहते हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन पदाधिकारी ने क्या किया इसको सभी लोग देखते हैं। पदाधिकारी ने ये जांच किया, वो जांच किया, पदाधिकारी आखिर जांच करते हैं तो एमडीएम का ही जांच क्यों करते हैं? जब भी हमने देखा है कि पदाधिकारी स्कूल में जाते हैं वो क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा की संख्या गिनवाते हैं कि बच्चे की संख्या कितनी है, रजिस्टर पर कितनी है। अगर गलती से भी एक दो की संख्या घट गई तो समझिए कि उस हेडमास्टर की खैर नहीं है, उनको हर हाल में उन्हें शो कॉज निकाला ही जाएगा और उस शो कॉज के माध्यम से उनसे उगाही की जाएगी। ये सभी शिक्षक जानते हैं, ये इस बात को लोग बोले नहीं बोले, लेकिन तथा कथित तौर पर यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चलता रहता है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। शिक्षक भी और जो प्रधान शिक्षक होते हैं अपना मुंह बंद करके किसी तरह से अपनी नौकरी का निर्वहन करते हैं। इस जांच क्रम में निदेशक के साथ सहायक निदेशक भी औचक निरीक्षण में साथ दे रहे थे, उनके साथ थे, और इस तरीके का कमी पा करके उनका जो व्यवहार था उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। आखिर कठोर कार्रवाई किस बात की कार्रवाई की जाएगी? क्या आप चावल पूरा देते हैं? जब आप चावल पूरा नहीं देते हैं तो कठोर कार्रवाई किस बात की? क्या आप दिशा निर्देश देते हैं कि रजिस्टर को कैसे भरना है, रजिस्टर को कैसे संधारित करना है? क्या इस बात का कहीं कोई जिक्र होता है? मेरे समझ से तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं रहता है। ऐसे परिस्थिति में इस तरीके का जांच कहीं से भी मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।